Hey guys, welcome back to another vlog. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे क्लियो गोल्ड. दिस इज द मोस्ट स्टनिंग अपार्टमेंट इन दिस एंटायर रीजन. सो एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है. इसके अंदर क्लब हाउस, एमिनिटीज, सेंट्रल ग्रीन एरिया, गोल्फ पुटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें अप एंड रनिंग है. सेंट्रल नोएडा का पार्ट कंसिडर किया जाता है बिकॉज यहाँ से जो ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है हार्डली 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है. ये वाला प्रोजेक्ट खास तौर से उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल नोएडा की कनेक्टिविटी चाहते हैं, इसके साथ साथ मेट्रो की फैसिलिटी चाहते हैं और दिल्ली उनका डेली अप डाउन है. और ये वाला अपार्टमेंट उन लोगों के लिए भी है जो एक लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट के अंदर फ्लैट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें या तो इन्वेंट्री का इशू आता है या फिर प्राइसिंग का इशू आता है. सो अगर आप एक अच्छे डेवलपर के साथ देख रहे हैं देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली लिमिटेड ऑप्शंस. सो दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ देम. क्लियो गोल्ड इज एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट बाय ABA कॉर्प इन सेक्टर 121 नोएडा. प्रोजेक्ट एक 4-साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट पर सिचुएटेड है. एंटायर प्रोजेक्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 25 acres एंड हैज 24 towers इंक्लूडिंग द 2 iconic towers ऑफ क्लियो गोल्ड वेयर पोजेशन इज ड्यू फ्रॉम मार्च 22 ऑनवर्ड्स. पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इजिप्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसी की झलक आपको अलग अलग एरियाज में दिखेगी, स्टार्टिंग विद द एंट्रेंस, उसके बाद गीजा कोर्ट और स्कल्पचर्स. ये सारी चीज़ें वहीं से रिजेंबल करती हैं. प्रोजेक्ट के अंदर 3 सेंट्रल पार्क्स हैं और क्लब हाउस की अगर बात करें तो 40,000 square feet की एमिनिटीज आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, लेकिन अगर पूरे प्रोजेक्ट की आउटडोर एमिनिटीज को भी अगर कंबाइन कर दें तो ऑलमोस्ट 1 lakh square feet की एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है. डेडिकेटेड पार्क्स हैं, डेडिकेटेड जोन्स हैं सभी चीज़ों के लिए. इसके अलावा यहाँ पर रेसिडेंट्स की सुविधाओं के लिए यहाँ पर गोल्फ कार्ट सर्विस अवेलेबल है ऑन कॉल, जिससे आप एक प्रोजेक्ट के कॉर्नर से दूसरे प्रोजेक्ट के कॉर्नर तक आसानी से जा सकते हैं. क्लियो गोल्ड के दोनों टावर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिसमें F1 टावर में ही सैम्पल फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पर. फर्स्ट फ्लोर वाला जो फ्लैट है इसके अंदर फर्नीचर प्लेस्ड है टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन, बट आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे सेकेंड फ्लोर का एक सैम्पल फ्लैट जो एक एक्चुअल फ्लैट है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा हाउ द फ्लैट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड. दैट्स द टावर लॉबी एरिया एट क्लियो गोल्ड. Every floor has just 2 apartments and they've got 3 lifts. 2 are passenger lift and 1 is service lift over there. इसमें staircase passage भी है. This is the main entrance. अभी जो आप sample देख रहे हैं this is spread across 4455 square feet. It's an actual flat in an actual tower. This is not a show gallery flat. So अभी आप जिस state में इस flat को देख रहे हैं ये exactly same स्टेट में डिलीवर होगा, इंक्लूडिंग ऑल दी फिक्चर्स एंड फिटिंग्स दैट यू विल सी इन दिस फ्लैट. सो मेन एंट्रेंस पर आपको ये एक वाइड एंट्रेंस डोर मिल जाता है. दिस द मेन एंट्रेंस. इस पे वुडन की पैनलिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है. क्लियो गोल्ड. सो गोल्ड इज समथिंग दैट इज द थीम एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड अक्रॉस दिस एंटायर सैम्पल यूनिट. आपको पूरे फ्लैट के अंदर इटालियन मार्बल मिलता है. फ्लोर टू सीलिंग हाइट अगर आप देखें इट्स 11 feet. पूरे घर के अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन है. VRV यूनिट्स इसकी एक्सटर्नल जो सर्विस एरिया है वहाँ पर प्लेस्ड है. जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वार्डरोब्स प्लेस, और इसके अलावा सभी बेडरूम्स के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग रहेगी. जितना भी कॉमन एरिया है इसमें इटालियन मार्बल यूज हुआ है. सो इटालियन मार्बल लिविंग, डाइनिंग, फॉय एरिया और किचन के अंदर यूज़ किया गया है. बाकी अब यहाँ से जो पूरा टूर है इसको शुरू करते हैं. सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं यू वेलकम बाय दिस अमेजिंग फॉय एरिया. बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस है. अगर आप दोनों डोर्स को खोलते हैं इट गिव्स यू दैट ओपननेस इन दिस एरिया. सो अगर आप चाहें तो इस एरिया को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ जाली वर्क, जिससे आपका जो लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है वो प्रॉपरली हिडन रहेगा. वेलकम टू दिस एरिया in a while. Let's start with the first bedroom. So this could be your guest bedroom. Sabhi bedrooms ke andar closet area included hai aur iske baad flooring mein yahan par wooden laminated flooring rahengi. Washrooms jaise abhi aap dekh rahe hain including all the fixtures, ye standard offering ka part hai. So this is the amount of space that you get in the guest bedroom. और ऑटो सेंसर लाइट्स हैं. इस फ्लैट की अच्छी बात यह है यहाँ पर होम ऑटोमेशन
के थ्रू आप जितनी भी लाइट्स हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग आइडियाज़ हैं यहाँ पर, जैसे वॉशरूम के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही मोशन डिटेक्ट नहीं होगी लाइट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है, ये एक रनिंग बालकनी है और बहुत ही वाइड है। इनफैक्ट ये डेक एरिया ऑलमोस्ट 10 फीट तक विड्थ है इसकी। सो फर्स्ट बेडरूम को जैसे ही हम कवर कर लेते हैं, वी आर बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। सो ये एक मैसिव ओपन एरिया स्पेस है, इसमें अगर आप देखें दिस इज़ द लिविंग एरिया। इसके बाद एक फैमिली लॉन्च रूम के लिए सेपरेट एरिया इन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है विद अ ग्लास पार्टीशन, एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया स्पेस। सो डाइनिंग के बाद आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो स्पेस है, दिस कुड बी योर पूजा रूम, योर स्टडी एरिया, एक मल्टीपर्पज एरिया है, इसको आप अपने यूजेज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मैसिव लिविंग एरिया गाइस। यहाँ से अगर मैं आपको पूरा एक 360 डिग्री व्यू दूँ तो यू विल गेट अ कम्प्लीट आइडिया वॉट दिस स्पेस हैज़ टू ऑफर। सो बहुत ही ओपन स्पेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट गिव्स यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन दिस स्पेस एज पर योर यूजेज। सो ये है एक रनिंग बालकनी, इसमें ग्लास और SS का इस्तेमाल किया गया है, और सामने की तरफ है सेंट्रल ग्रीन एरिया। सो ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर दो और बेडरूम से कनेक्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द सेंट्रल ग्रीन एरिया। क्लियो गोल्ड के जो टायर्स हैं इनको प्राइम ग्रीन व्यू मिलता है। सो हर फ्लोर पे दो अपार्टमेंट होने की वजह से दोनों साइड का व्यू भी मिलता है। सो ये सेंट्रल ग्रीन एरिया है। इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर द अदर एरियाज एज वेल। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग एंड द फैमिली लॉन्च रूम। यहाँ पर इसके बाद जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सो दिस इज़ द पाउडर रूम, अगेन सेंसर बेस्ड लाइटिंग है। सो नाउ कमिंग टू द फेवरेट पोर्शन ऑफ ऑल द फीमेल व्यूअर्स। सो दिस इज़ द किचन एरिया, इट कम्स विद एन आइलैंड किचन। काउंटर टॉप पे इन्होंने क्वार्ट्ज यूज़ करा हुआ है। जितना भी कैबिनेटरी वर्क अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। सो बॉटल पुल आउट से लेकर बड़े यूटेंसिल्स तक के लिए सबके लिए डेडिकेटेड स्पेस है। तो किचन फुली लोडेड रहेगी, इट कम्स विद अ चिमनी हॉब, ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं गोल्ड फिनिश में इन्होंने बॉर्डर्स यूज़ करें बिकॉज क्लियो गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड का एक टच दिखेगा। सो वेट एरिया इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, कम्स विद अ डबल बोल सिंक, RO और गीजर के लिए भी प्रोविजन है। और किचन काफ़ी बड़ा है, इसमें AC जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो किचन आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस है, इसमें सारे एरियाज का प्रोविजन इन्होंने रखा हुआ है। चॉपिंग काउंटर, अवन और OTG के लिए डेडिकेटेड स्पेस, एक डबल डोर के लिए फ्रिज आ जाता है। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने है सर्विस और यूटिलिटी एरिया, जो एक अगेन रनिंग बालकनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर सर्विस एरिया है, तो जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। ये फ्लैट का ड्यूअल एंट्रेंस है जो सर्विस एरिया से कनेक्टेड है। इसके बाद अगेन BRB के जितने भी यूनिट्स हैं वो बाहर इस तरह से प्लेस होंगे ताकि फ्यूचर में अगर कभी रिपेयर करना हो तो इनमें आसानी रहे। सामने की तरफ दो डोमेस्टिक हेल्प रूम है, अगर आप शॉफर रखते हैं और एक डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो दोनों को डेडिकेटेड रूम्स दे सकते हैं। इसके बाद ठीक सामने की तरफ दो वॉशरूम्स हैं। सो अगेन ये रेयर सेक्शन है प्रॉपर्टी का, रेयर कहें या फ्रंट कहें, बिकॉज टू साइड ओपन है। ये सामने की तरफ मेन रोड है जो आगे जाकर परथला चौक पे कनेक्ट होती है, और सामने की तरफ है इनका कमर्शियल जो अप एंड रनिंग है। अगेन ये एक रनिंग बालकनी है जो बिल्कुल लास्ट तक जाती है, और इसमें आगे ये एक और बेडरूम है, सामने एक और बेडरूम है। सो लेट्स मूव बैक। सो अब यहाँ से आगे तीन ही बेडरूम्स रह गए हैं। दिस इज बेडरूम नंबर 1, बालकनी वही है जो आप भी आपने बाहर से देखी थी। सामने की तरफ इसका वॉशरूम है, वॉशरूम कम्स विद ऑल द फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स। इसमें आप सामने देख सकते हैं वैनिटी है और टेबल टॉप हैंड बेसिन है। 4 क्यूबिकल बिल्कुल राइट हैंड साइड पे हो गया, और स्टोरेज एरिया जितना भी है वो सारा दरवाजे के जस्ट पीछे आ जाता है। इसमें स्लाइडर्स इन्होंने दिए हुए हैं,
और इस तरह से यहाँ पर सारे फिक्स्चर्स लगे हुए हैं। नीचे स्टोरेज यूनिट है, इसमें वीआरवी के यूनिट्स का जो ओपनिंग है वो वहाँ पर दी हुई है। स्मोक सेंसर और फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीज़ें पहले से ही लगी हुई हैं। बीच में अगेन ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया आ जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूजा यूनिट बना सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लोज़ेट एरिया बना सकते हैं। दिस इज़ थर्ड बेडरूम। कंपैरेटिवली ये लास्ट दो बेडरूम से बड़ा है और इसमें शटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ एक पैसेज है जो अगेन बालकनी तक जाता है। सो ये क्लोज़ेट एरिया है, आप देख सकते हैं फैक्ट्री फिटेड वुडवर्क है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, सारी हाई एंड फिनिश है। सो इसमें एसेसरीज आ सकती हैं। इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर, अगेन वन मोर क्लोज सेक्शन फॉर एसेसरीज। नीचे शूज़ आ सकते हैं। इस वाले बेडरूम को अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। इट हैज़ गॉट एक्सपोजर्स ऑन टू साइड। एक एक्सपोजर वहाँ पर है और बिल्कुल ठीक सामने लार्ज ग्लास विंडोज़ हैं। इट हैज़ अ स्लाइडर, तो आप इनको खोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अटैच वॉशरूम। वॉशरूम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी आपने इससे पहले वाले बेडरूम के साथ देखा था। बिल्कुल सेंटर में वैनिटी के साथ हैंड बेसिन आ जाता है और राइट हैंड साइड पे आ जाता है शार क्यूबिकल और WC के लिए। तो दो सेक्शंस हैं इसमें। और इस वाले बेडरूम के अंदर आपको क्लोज़ेट एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर आपको सी थ्रू ग्लास के फिनिश के साथ क्लोज़ेट एरिया मिलता है। तो अगेन सेक्शंस एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे लास्ट बेडरूम में थे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको। So now moving towards the final bedroom. So master bedroom has exposure again on two sides. सामने की तरफ central green area है। इस दरवाजे के just पीछे है जन्नत, because इसके पीछे है एक walk-through closet और बहुत ही spacious washroom. So this is the amount of space that you get in this bedroom. Now let's move towards the most favorite area of this flat. This is the attached washroom, guys. आप देख सकते हैं बहुत ही spacious washroom है। इसमें ये वाला जो space अभी आप देख रहे हैं, this is the shower area. इसमें सारी fittings अभी लगना बाकी है। जो इनका एक sample unit नीचे show flat ready है, उसमें ये सारी fittings लगी हुई हैं। ये वाला जो portion है, again आप अपनी usage के according इसको use कर सकते हैं, steam या sauna bath जो भी आप लेना चाहें। और इसके बाद ये WC वाला सेक्शन आ जाता है। ग्लास फिनिश के साथ इन्होंने पार्टीशंस यूज़ करे हैं विद स्लाइडर्स। और बिल्कुल ठीक सामने ये वाला जो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा क्लोज़ेट एरिया है। इसमें हिज और हर, मेरे ख्याल से आपको स्पेस की कमी नहीं महसूस होगी। इसमें एक और अच्छी बात यह है, इट कम्स विद ऑटो सेंसर लाइट। सो इस तरह से ये ओपन होते हैं। आपको अगर इन्हें बंद करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुल देम। ऑटो क्लोजर के साथ आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश, उसके बाद दे आर ऑल डन। सो ये बिल्कुल सामने वाला पोर्शन है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ ड्रेसर एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस। आप इसमें चाहें तो एक सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं या फिर सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आप रेडी हो रहे हो, लाइट यहाँ पर मोर देन सफिशेंट है। तो इस वॉशरूम के अंदर एक और मेजर पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। एक फंक्शनल चीज़ है जो यहाँ पर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ड्रेसिंग में अगर रेडी हो रहे हैं एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड, ये यहाँ पर लॉक हो जाता है। सो एक छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बाद में ये सारे मॉडिफिकेशंस नहीं कराने पड़ेंगे। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टनिंग अपार्टमेंट and this amazing location. Project amazing hai, features bhi amazing hai. I really like the central green area jo is project ke saath hai. Theme based gardens hai, alag alag dedicated zones hai. So clubhouse ki agar baat kare to almost 1,00,000 square feet se upar ka clubhouse aur uske saath saath amenities hai. Limited options hai agar ready to move in, agar aap plan kar rahe hain is segment ke andar. So if you are interested in this project, just give us a call on the number mentioned below. We'll give you a proper orientation and tell you whether it meets your requirement or not. So aaj ke liye bas itna hi. I'll see you guys tomorrow. In the meantime, enjoy the stunning view.
Thank you.